Before I start this video, let me take 30 seconds to tell you something about Exergic. Exergic is India's most trusted and most experienced institute for online GATE preparation. I am Chandresh Mahajan, founder and chief educator at Exergic. I'm an All India rank 37 in GATE Mechanical Engineering, an ex-Indian Oil officer having 7 plus years of teaching experience as of now. These are the GATE 2021 Mechanical Engineering toppers from Exergic. You can find their preparation strategy on Exergic's website. To know more about our GATE courses, you can visit our website or contact us on these details. Also, you can download Exergic GATE preparation app from Google Play Store. The link is available in the description of video. ऋतिक रोशन ने बहुत बार आपको बोला होगा कि डर के आगे जीत है, लो माउंटेन ड्यू पी लो, है ना। और आपको भी ये पता होगा कि माउंटेन ड्यू पीने से डर दूर नहीं होगा। बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है गेट के एग्जाम में, और किसी भी एग्जाम में जब आप उसके लिए प्रिपेयर करते हैं और आप उसमें अपीयर होने के लिए जाते हैं, उससे कुछ दिन पहले तक इवन एग्जाम में भी कभी कभी डर लग सकता है ना, जो कि ठीक नहीं है। ठीक नहीं है मतलब पूरी तरह से नेचुरल है, डर लगना नेचुरल है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस के लिए वो ठीक नहीं है। क्योंकि जब भी आप घबराएंगे, आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा, आपके मन में 10 तरीके की बातें आएंगी जो आपकी एक्यूरेसी को, आपकी स्पीड को अफेक्ट करेंगी, अल्टीमेटली आपके मार्क्स और रैंक को अफेक्ट करेंगी। तो ये बात में कोई दो राय नहीं है कि डर नहीं होना चाहिए आपके मन में। थोड़े बहुत टाइम के लिए थोड़ा बहुत घबराना ठीक है, नेचुरल है, लेकिन जब आप लॉन्ग रन में इसको देखेंगे या आप एग्जाम टाइम में इसको देखेंगे तो घबराहट से आपको नुकसान हो सकता है। कॉन्फिडेंस, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, ये बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम में अपीयर होते वक्त या उससे कुछ दिन पहले तक, है ना। मैं भी क्योंकि खुद एक एस्पिरेंट रह चुका हूं, 37 रैंक अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ला चुका हूं, तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकता हूं कि आपके मन में इस वक्त क्या चल रहा होगा, और मैं अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से आपको कुछ सजेशंस दूंगा। आप में से जो लोग मुझे जानते हैं या मेरे इससे पहले जो भी दूसरे चैनल पे सजेशंस और वीडियोस देख चुके हैं, आपको आइडिया होगा इस चीज का कि मैं फालतू की ज्ञान की रैंडम बातें नहीं करता हूं। मैं जो भी चीज शेयर करता हूं वो या मैंने खुद अप्लाई की होती है, या मैंने खुद सोची होती है, या मेरा थॉट होता है या मेरा एक्शन होता है, उसी बेसिस पे मैं आपको कुछ भी गाइडेंस देता हूं। रटी रटाई चीज और ऐसी चीज जिससे मैं रिलेट नहीं करता हूं, मैं ऐसी चीजों के बारे में बोलना पसंद नहीं करता हूं। तो अब जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं वो एक ऐसी चीज है जो मैं पर्सनली अपनी लाइफ में, ना केवल जब मैंने गेट दिया और जब रैंक लाई, बल्कि उसके बाद भी, मैंने उसके बाद रिजाइन किया है इंडियन ऑयल से, अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है, तो बहुत सारे जगहों में जब भी कभी मेरे मन में थोड़ा बहुत फियर आया तो कैसे मैंने उसको ओवरकम किया वो मैं आपसे इसमें शेयर करता हूं। देखिए, जब आप पैदा हुए थे तब आपने सब कुछ प्लान तो नहीं कर लिया था अपने लिए, है ना, कि आप कहां पैदा होंगे, आपके पेरेंट्स कौन होंगे, आपको वो एजुकेशन देंगे कि नहीं, आपको खाना देंगे कि नहीं, आप किस देश में, किस सोसाइटी में, किस स्कूल में बचपन में पढ़ेंगे, ये सब फैसले आपने अपने लिए नहीं लिए हैं। ये सब फैसले किसी सुप्रीम पावर ने आपके लिए लिए हैं, है ना। उस सुप्रीम पावर को आप जो बोलना चाहें, आप अपने पेरेंट्स को बोल सकते हैं, आप नेचर को बोल सकते हैं, आप भगवान को बोल सकते हैं, जो भी वर्ड आप देना चाहें, बट कोई ना कोई एक ऐसी पावर है जो ऐसी चीजों को कंट्रोल कर रही है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि आप कहां पैदा हुए, जैसा मैंने आपको बताया, बचपन में क्या आपको खाना मिला, बचपन में क्या आपको एजुकेशन मिली, आप इस मुकाम पे आज हैं कि आप पढ़ लिख चुके हैं, तो ये सब आपने खुद के लिए प्लान नहीं किया था जब आप पैदा हुए थे, है ना, या आपको मिला किसी सुप्रीम पावर ने, आपको ये दिया, आपके लिए ये प्लान किया। आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, इसके लिए आंखें चाहिए, कान चाहिए, ये सब आपने प्लान किए थे क्या कि मैं जब पैदा होऊंगा तो ये सब मेरे को एकदम बराबर चाहिए अपनी जगह पे? नहीं ना। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन आप उनमें से नहीं है। तो जब आपको इतनी सारी चीजें, इतनी बहुमूल्य चीजें जो कि आप खुद से कमा नहीं सकते, खुद से पा नहीं सकते, आपको वो चीजें भी किसी सुप्रीम पावर ने, भगवान, लक, देश, सोसाइटी, उन्होंने आपको ऑफर की हैं,
तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि जब आपने इतनी मेहनत की है जिस चीज के लिए, आपको फिर भी वो चीजें नहीं मिलेंगी? जो चीजें आपको बिना मेहनत किए मिल गई, जो कि बहुमूल्य हैं, जो कि दुनिया में बहुत से लोगों को नहीं मिली हैं, आंख, नाक, पेरेंट्स, एजुकेशन, खाना, सिक्योरिटी, ये ऐसी चीजें हैं जो बहुत से लोगों को नहीं मिली हैं लाइफ में, वो भी आपको मिल गई बिना कुछ किए, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि जब आप इतनी मेहनत करेंगे किसी चीज के लिए और हार नहीं मानेंगे तो वो चीज आपको क्यों नहीं मिलेगी, वो चीज सुप्रीम पावर आपको क्यों नहीं देगी? जब मैंने रिजाइन किया इंडियन ऑयल से और मैंने अपना इंस्टीट्यूट, अपनी कंपनी, मेरी जान एक्सर्जिक इसको बिल्ड किया, तो बहुत से ऐसे एक्सपीरियंसेस आए जहां पे थोड़ा डर, थोड़ी अनसर्टेनिटी, ये नॉर्मल सी चीज है, ये कभी कभी फील होती थी। और तब मैं क्या सोचता था वो मैं माइंडसेट आपसे अपना शेयर करता हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से माइंडसेट बहुत पावरफुल चीज है। एक कोट है, छोटा सा कोट है, सोच बदलो जिंदगी बदलेगी। तो किस सोच के साथ आप काम को कर रहे हैं, सिचुएशंस को टैकल कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती थी जहां मेरे को मन में कुछ नेगेटिव थॉट्स या खराब थॉट्स आते थे, ऑल्दो मेरे मन में बहुत ज्यादा ऐसे थॉट्स आते नहीं है, फिर भी कभी कभी, तो मैं क्या सोचता था, कैसे उसको टैकल करता था, वो मैं आपको बताता हूं। मैं इसी चीज को सोचता था कि जो इतनी सब चीजें मिली हुई हैं हमें लाइफ में बिना अलग से मांगे, कोई ना कोई हमारी लाइफ की गाड़ी को चला रहा है ना, कोई ना कोई सुप्रीम पावर, अगर लाइफ एक गाड़ी है तो उसको वो चला रहे हैं। अब अगर मान लो सुप्रीम पावर भगवान गाड़ी चला रहे हैं आपकी लाइफ की, और वो एक ऐसे रास्ते में चल रही है गाड़ी जहां पे आंधी है, तूफान है, मौसम खराब है, शायद बहुत कड़क धूप है, शायद रास्ता खराब है, शायद रात का वक्त है, जंगल से वो गाड़ी जा रही है, क्या आप घबराओगे? भगवान चला रहे हैं गाड़ी लाइफ की, क्या आप घबराओगे? वही भगवान जिन्होंने आपको इतनी सब चीजें दी हैं बिना मांगे, वही उस लाइफ की गाड़ी को चला रहे हैं। अगर थोड़ा सा स्ट्रेच रास्ते का ऐसा आया जो आपके अनुकूल नहीं है, तो क्या आप घबराओगे, कंप्लेन करोगे, नेगेटिव सोचोगे? नहीं, ये एक बहुत गलत चीज होगी। आप ध्यान से प्रैक्टिकली सोचो, अगर ऐसा सच में होता है तो क्या आप घबराओगे? नहीं, आप भरोसा रखोगे कि अरे क्या टेंशन है, भगवान गाड़ी चला रहे, जहां पे भी लेके जा रहे हैं मुझे पता है अल्टीमेटली सही जगह पहुंचा देंगे, है ना? यही सोच आपको लानी है। आपने जब इतनी मेहनत की है, आप अपने एक्शंस को कंटिन्यू एक साल से, दो साल से दे रहे हैं, और जब बिना कुछ किए आपको उन्होंने इतना बहुमूल्य चीजें जैसे मैंने आपको बताया दी हुई हैं, तो मेहनत करके आपको वो क्यों नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। हो सकता है थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ी और ज्यादा मेहनत लग सकती है, लेकिन मैं इस चीज को मान ही नहीं सकता हूं कि अगर आपने पूरी दिल से मेहनत की है, आपने पूरे साल भर मेहनत की है, अच्छे से मेहनत की है, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड किया है, इंजॉयमेंट्स को अवॉइड किया है, और कस के मेहनत की है, और वो चीज आपको अभी या कल या कुछ महीने बाद ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए अपने मन में किसी भी तरीके का ऐसा फियर मत आने दीजिए, कोई भी फियर जो आपके कॉन्फिडेंस को कम करे, आपके फोकस और अटेंशन को डाइवर्ट करे, उसे आने ही मत दीजिए। और जैसा मैंने आपको बताया, जो सोच मैंने आपको बताई, हो सके तो उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। क्यों टेंशन ले रहे हो उस चीज के बारे में? सोचो ही मत जो आपके कंट्रोल में नहीं है, सोचो कि उसको कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। जो मेरे को आज यहां तक लेके आया है, इसने मुझे खाना दिया है, आंख दी है बोलने के लिए, मुंह दिया है, ये जिसने मुझे दिया है वो आगे भी मेरी गाड़ी चलाएगा। मेरा काम है मेहनत करना, आपका काम पढ़ाई करना, आपने पूरा अपना एफर्ट सही से दिया है, बाकी चीजों के बारे में क्यों सोचना, मत सोचिए। फियर को दूर कीजिए, पॉजिटिव थॉट्स के साथ आगे बढ़िए। तो आई एम श्योर कि मैंने जो चीजें और थॉट्स शेयर किए हैं आपसे, उससे आपको थोड़ी बहुत मदद मिलेगी अपना माइंडसेट इंप्रूव करने में, एग्जाम के हिसाब से, मे बी लाइफ के हिसाब से।